कृपया दूसरे श्रद्धालुओं को दर्शन करने हेतु अपना स्थान रिक्त करें। क्या लगा? हाँ भैया, हमारे सिटी में इतने सारा सब कुछ लगा लिया, तो ये ऐसी ही पड़ी है क्या? एक्स्ट्रा जगह मतलब किसी और का प्लॉट होगा? अच्छा, यहाँ पे गार्डन वार्डन बनने वाला है इधर इस वाली जगह पे, तो इन्होंने यहाँ आम लगाया, उधर अशोक, ये अपना क्या शमी पत्र, हाँ इधर ये केला भी लगा रखा है, अंदर भी छोटे छोटे कुछ कुछ लगे हुए है, पक्षियों के लिए पानी रख रखा है। ये केल तो इतने बड़े हो गए, क्या पूछ रहे हो आप? आम लगे, सही बात है, कलमी होगा, कौन सा आम है? नॉर्मल है, हाँ दो, मतलब दो साल हो गए, दो साल में आम खिला दूंगा। फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू इंदौर, क्योंकि फिलहाल मैं इंदौर में हूँ और आई थिंक तीन चार दिन रुकने वाली हूँ। तो अभी ऐसा है कि विक्की भैया तो जिम गए हैं, बड़े पापा हमें बाहर टहल रहे हैं, वो दिखा रहे थे कि उन्होंने क्या क्या लगाया, क्योंकि उनको पता है ना मुझे भी शौक है, मैं भी लगाती हूँ, आपने देखे हैं टेरेस पे लगे हुए हैं छोटे छोटे प्लांट्स, जगह तो है नहीं कि मैं पेड़ लगा पाऊँ। हाँ, खेत में ज़रूर हमारे आपने देखा है जाम भी लगा है, आम भी लगा हुआ है, और एक पता नहीं पापा को कोई सा पेड़ गिफ्ट किया था, मुझे नाम नहीं पता, बट वो भी लगा है काफ़ी, उसकी भी अच्छी हाइट हो गई है, तो वही दिखा रहे थे। और बड़े पापा और बुजी, मैंने आपको बताया नहीं है, ये लोग तकरीबन आज हो गए इनको, हाँ हफ्ता भर हो गया होगा, तब पहले आ गए थे और उस बीच में मेरा व्लॉग भी नहीं बना, तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, बट हाँ ये लोग यहाँ आ गए थे। भैया रिंकी रेडी हो गई जाने के लिए ऑफिस, रीडू गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग रिदा, गुड मॉर्निंग, अभी मूड नहीं है रिदा का। कौन आ गया? दीदी आ गई, दीदी आ गई। तो अभी हम नहा लिए हैं और रिंकी ने ऑफिस जाना कैंसिल कर दिया, आज ऑफिस नहीं जा रही है, और रिदू को नहलाना बाकी है, बट नहाने से पहले रिदू का क्रीम लग रहा है ना, क्रीम लगा रही है क्रीम। और प्लान बनाया है कि आज हम जा रहे हैं कहाँ, पितरेश्वर पर्वत, जहाँ पे काफी बड़े हनुमान जी है, आप भी चले हमारे साथ और देखिए, तो मिलते हैं हम वहाँ पे फिर। ए, जल्दी जल्दी नहाई नहाई करो, जल्दी जल्दी चलो चलो। हाँ क्या कर रहे है? मम्मी आ रही, मम्मी नहलाएगी, जा वो बुआचा नहला देगी, जाओ बुआचा, बुआचा नहला देंगे, फिर घूमने चल रहे ना, चलो चलो जल्दी जल्दी बुआचा लेके जाओ इसको, जाओ यहीं पे रहना, तुम यहीं पे रहना, हाँ तो कपड़े तो चेंज, फिर भूसा भूसा ऐसे हो जाएगी, बात नहीं करेंगे। ये ना रिंकी छेड़ती ज्यादा है उसको, हाँ गंदी बुआचा है ना ये, हाँ मम्मी चेंज करेंगे, मम्मी नहलाएगी। पितृ पर्वत जाने से पहले दंगल देखते हैं यहाँ का, भाई बहन का दंगल हो रहा है भैया, घर पे मोनू मंदिर का तो देख रखा है, हाँ एक्चुअली रिंगे रहे आटे के हाथ लगाए ना आपके बैग पे, हाँ तो विक्की भैया बदला ले रहे हैं, बस दो मिनट दे दो, क्या हो दो मिनट बाद मारता हूँ, दो मिनट दो मिनट बाद मारता हूँ, दो मिनट बाद क्या कर लेगी? देखो रोटी जला दी यार, रोटी मेरे कारण है, बस ये रोटी बन जाए उसके बाद मारना, ठीक है? इसका ब्याह तो मैं ऐसे करूंगा, दहला शुरू ना गोबर के कंडे फेंकने पड़ेंगे। अरे यार ओए लग जाएगा रिंकी ऐसे में, अरे इनका दिन भर का डेली का चलता है दोनों का। रिंकी सोचती हो कि भगवान संडे आने ही नहीं चाहिए, मुझे जाके बोलो तो जाओ समझाओ दोनों, देखो कैसे लड़ाई कर रहा है, मजा आता है सब कुछ, कोई भी नहीं रोकता है। रिंकी ने बनाए आटे के हाथ उनके पेट पे, वो डर जाएगी रिदु। लोगों के दंगल के चक्कर में मैंने अपने मूवी पॉज की थी, ना भला देख रही हूँ मैं फिलहाल। तो फाइनली दो घंटे के बाद हम रेडी हो गए हैं और रिंकी की भी लिपस्टिक लग गई है, मतलब लिपस्टिक लगाने में आधा घंटा लगा होगा ना इसको। यार ये आपके कारण होता है,
तेरे कारण क्या होता है, चल निकल जल्दी, सारी बॉटल रख फटाफट गाड़ी में। और विक्की भी अलग त्रस्त है अपने जीन्स के चलते, टाइट हो रही है। पापा आपका सोने चल दिया? पापा का भोजन हो गया अभी। देखिए हमें 2 घंटा लगा, मतलब मुझे रेडी होने में नहीं, बाकी लोगों को। फिर भी रीता अभी तक रेडी नहीं हुई है, इसको भी कार में रेडी करना है। क्यों रीता? महावेश्वरी कार रेडी हो गए। वो उसको देखो, मुंह में बिंदी ले रही है। ए, नहीं उसको क्यों खोलना? वो मम्मा की है ना, मम्मा की है। हाँ मम्मा को दे के आ जाओ, जाओ जाओ। हाँ मम्मा को दे दो। नहीं उसको मुंह में नहीं लेते, गंदा। नहीं रीता नहीं, जाओ मम्मा को दे के आ जाओ। और बुजी भी आ रहे हैं हमारे साथ। कल तक इसमें 3 थी, आज 2 हो गई, एक विक्की मैंने उड़ा दी है। तो क्या कर रहे थे जो आपने उड़ा दी? अरे खाना देना था। हाँ खाने देने के चक्कर में उड़ा दिया। धीरे धीरे वो तो ये 2 भी आजाद हो जाएगी, और अच्छा है आजाद हो जाएगी। हाँ तो उनको जगह नहीं मिलती, तो इसी में नाचेगी ना बुजी। इसीलिए ना कार सिटी में एक ही होना चाहिए, मतलब दूसरी को निकालने के चक्कर में तीसरी को अंदर करो, फिर दूसरी को अंदर करो। क्यों विक्की भैया, अब आज इनको एक्सयूवी से जाना था, तो पहले एक्सयूवी को निकालने के लिए कौन सी निकाली आपने? भाभी के पहले एक्सयूवी निकाल के बाहर कर, पहले नैनो को आगे करा, फिर वेस्पा को आगे करा, फिर वो रिदा की रिंकी की स्कूटी को आगे करा, फिर वेस्पा को निकाला, एक्सयूवी को निकाला, फिर वापस उसको पार्किंग में रखा। बड़बंद करनी पड़ती है, मतलब एक कार जाने के लिए 15-20 मिनट पार्किंग स्पेस को देना पड़ता है। तो अब रिदा का टाइम स्टार्ट हो गया है, अब होगा रिदा रेडी। नरम में मसाला मत डालना, एकदम नरम में मत लेना बुजी जैसे। और से पूछो तो बुजी खा लेंगे ना, एकदम नरम में नहीं, वो गीले भी नहीं, वो तो बुजी खा लेंगे ना। हाँ वही उनको बोला सारे मिक्स करके। पर्वत का रास्ता कहाँ है भैया? सीधा। अभी हम जाम लेने के लिए रुक गए, अमरूद कहीं पलटने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे चलना है अभी। धन्यवाद। उनको बोलना काट दे। तेरे दांत नहीं है? दो के दांत नहीं। बूजी क्यों रिंकी के दांत नहीं है? लगे हैं रिंकी के दांत, पर कोई फायदा नहीं है। हाँ वो बादल लगे, थोड़ा सा कटने का काटते हो दादी साहब, वो काटेंगे ना तब वो दांत तोड़ लेंगे, तो वो माप रहे हैं। भाभी से क्या माप रहे? माप रहे, तोल रहे। भाभी साहब को पूछा ताजा है ना, जुकाम हो रहा है, ताजा है ना शाम? ताजा है भैया, ताजा ही है ना। मसाला भैया शाम ताजा है ना, सुनाई नहीं दे रहा उनको। ताजा मतलब बासी खा, नहीं टूटा हुआ अभी नहीं। मुझे मेरे को जुकाम हो रहा है इसलिए। इतनी मिर्ची खानी है इनको कि डिब्बा ले लिया इन्होंने भैया का। तो फाइनली हम पहुंच गए, पार्किंग में गाड़ी लगा दी, और ये मैडम जगह ढूंढ रहे फोटो के लिए। और विक्की को इंसिस्ट कर रही है कि वो अपने आईफोन से फोटो निकाल दे। इतने पास से मुझे अरे दिख ही नहीं रहा, सूरज में तो काली भांड दिख रही है। चलो दर्शन करके आते हैं हनुमान जी के। इसको इसको यहाँ है ना छोड़ो। अरे तो ऐसा लग रहा है कि अपने पीपला खेत में खड़ी है, तेको ऐसा लग रहा है नेचुरल ब्यूटी लग रहा, खेत ही है। चल 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 जाड़खा पे चढ़ी, जाड़खा पे नोजी में क्यों हाथ डाल रही है? अरे रिदा का वापस मेकअप हो रहा है, उस टाइम हो नहीं पाया था, सो गई थी वो। क्या हुआ? इन दोनों को छोड़ते हैं, चलो बुजी अपन तो चलते हैं। तो भाई भैया आए थे। हाँ सही है, इनसे ये चल नहीं पाएंगे इतना लंबा सांस की वजह से बुजी को थोड़ा दिक्कत है, तो हम गाड़ी ऊपर तक लेके जा रहे हैं अभी। तो चलो चलो बुजी बैठो फटाफट, चलो बढ़ाओ बढ़ाओ, इसको छोड़ दो निकालेगी फोटो। तो उसको फोटो खींचने से फुर्सत नहीं हो रही अभी। अलाउ किया था गाड़ी लाने के लिए, तो ये गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी, और यहीं से जो सामने दिख रहे रही सामने से ये बड़े से हनुमान जी, ये पितृ पर्वत इस जगह को बोलते हैं, पता है मुझे। इसीलिए मैंने विक्की भैया से कल ही पूछा था कि आपका कोई प्लान है क्या, बोलते नहीं नहीं सब सडन होता है, क्योंकि बूजी का मूड है कि भाई पहले अगर ऐसा रहता तो यही मस्त खाना वाना लेके आते और खाते। आज संडे है तो वैसे भी बहुत ज्यादा रश है, तो यहाँ भी हम लोग सब लोग रैक में शूज रख देंगे सारे। तो ये अंदर में मंदिर है, बट अभी बंद है, और जो इसका ऊपर छत है उसके ऊपर है ना हनुमान जी वाली जो स्टेच्यू है, वो नीचे जो भगवान है वो, तो उनके तो दर्शन उनको हो नहीं पाएंगे, बाकी हाँ हनुमान जी के तो दूर से दर्शन होते हैं।
हम लोग ऐसे टाइम पे आए ना 1:30-2 बजे की ये खाने वाला टाइम होता है, तो उस टाइम पे बट बंदी मिलेंगे अपने भगवान के बारे में पता नहीं। तो हनुमान जी का जो स्टेचू है वो थोड़ा सा हिली एरिया पे बना है, तो काफी डिस्टेंस पे जब आप रहते हो ना तभी नजर आता है, बट नीचे जो है भगवान का स्टेचू उसके तो दर्शन नहीं हो पाए, बट ऊपर से जो स्टेचू बना है बड़ा सा विशाल तो हो ही गया है। तब इन लोग का फोटो सेशन चालू होगा रिंकी का। देख भाभी साहब देखो फ्लैग सही वो कर रहा है ना पूरे टाइम। चलो चलो भाई मंदिर खुल गया। सही है, 2:30 बज गया और होपफुली मंदिर भी खुल गया। तो ऑलरेडी पहले से लाइन लग चुकी है गेट के पास में। तो अभी भीड़ भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है जैसे ही गेट ओपन हुआ है। नोटिस ही नहीं किया, देखो ना लोग ऊपर भी गए, ऊपर भी जा सकते हैं ना। कहाँ गए विक्की भैया? उनको बड़ी जल्दी लगी है, वो व्लॉग के चक्कर में उधर आगे निकल गए। आप शूट करने में इतने ज्यादा मगन हो, देखो लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर चलते हैं ना। ऊपर जाना रास्ता कहाँ से होगा, कहीं से उधर चल के देखते हैं। चलो स्टेयर से जाएंगे रिदु, स्टेयर से तो भी हम जाएंगे ऊपर, ऊपर मतलब हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, एकदम ऊपर नहीं। विराट हाँ विशाल का है रूट हनुमान जी का। बाय स्टेयर्स जो है ऊपर जाने के लिए ये रूट है। तो यहाँ से फाइनली जो है हनुमान जी का पूरा विराट रूप दिख रहा है। नीचे से तो नीचे वाला हिस्सा नहीं दिखाई देता ना, यहाँ से बकायदा पूरा दिख रहा है। पब्लिक एकदम पास जाके फोटो क्लिक कर सकते हैं, बट बहुत रश है तो हम आगे नहीं जा रहे, यही रेलिंग के पास से देख रहे हैं। भाभी साहब ट्राई कर रहे हैं रिदा के साथ फोटो लेने के लिए कि रिदा का हनुमान जी के सामने फोटो आ जाए, फिर वो उसका ध्यान नहीं है, इधर धूप लग रही है उसको। छोटे पंडित जी से विक्के भैया क्या धागा बनवा रहे हैं अभी। रिदा चलो चलो भैया, एक उसको भी बांध दो छोटा सा, वो लंबा हाथ कर रही, उसको बंधवाना है अभी। तो ये एक रूट स्टेयर वाला भी है, हाँ डायरेक्ट, पर आप नहीं चल पाओगे, वो गाड़ी विक्की भैया निकाल रहे हैं अभी। नहीं नहीं बुझी, थक जाओगे, अरे थक जाओगे मानो, नहीं नहीं रहने दो। हाँ वैसे ज्यादा स्टेयर्स नहीं है पर हम लोग तो बाय रोड आए हैं। ऊपर गाड़ी लाने के लिए पूरे 100 रुपए लिए हैं उन्होंने, जबकि ऐसे ज्यादा कुछ लंबा रूट नहीं है। चलो हम लोग घर पहुंच गए हैं और आते ही हमारी रिंकी ने चाय बना ली है, तो अभी चाय का आनंद ले रहे सब लोग। अच्छा नहीं चाय। तो भाभी साहब जा रहे हैं, भाभी साहब के पापा आए हैं कहीं बाहर, ये लोग प्लॉट वगैरह देखने के लिए। चाय नहीं पापा, चाय मैंने पी ली है। क्या ऑर्डर किया है? सैंडविच। I don't like sandwich, क्योंकि सुबह ब्रेड पकौड़ा खाया था, बट अब ठीक है, वरना तो मैं सेव पर मस्त क्या बोलते हैं प्याज मिक्स करके भेल बना के खा लेंगे अभी। फाइनली हमारा क्या आ गया, सैंडविच आ गया है, तो हम खाते हैं। विक्की भाई और भाभी साहब तो गए हुए हैं, वो लोग तो अभी शाम तक आने वाले हैं। हाँ तो हम तो हमारा निपटा देते हैं अभी। तो ये लोग भी आ गए हैं, मैं देख रही हूँ, मुझे लगा मैं कहा भाभी साहब के पापा भी, वो तो उधर बड़े पापा खड़े थे। क्या हुआ? ये ना सही में खसकी है, मतलब इन्होंने बड़े बाबा मेरे को बता रहे थे, बोले निक्की पता है जब मैं नहीं था ना तो इन लोगों से वो क्या बोलते प्रेस स्टार्ट नहीं हुई और ये लोग मेट्रो से नहीं लेके आ गए। तो रिंकी बोलती है, बोले हाँ मेट्रो से ट्रेन लेके आ गए। ये तो है जो बोलेगी बात कर लगी। तो इन लोग का खाना चल रहा है, आज बुजी का फास्ट है, तो क्या मोर धन बना है, मोर धान ये है दलिया का एक वेरिएंट है, देखो मैं तुम्हें सही बात, पर उसे टेस्टी लगता है। अच्छा अब दही मिलाओ और ज्यादा टेस्टी लगेगा, पता है मतलब गपड़ छपड़ में और गपड़ छपड़ कर लो। अरे यार जैसे अपन खिचड़ी में दही नहीं मिलाते उसके साथ खाते तो वो टेस्ट बढ़ जाता, वैसे ही है इसका भी। सो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे फिनिश, मिलते हैं अगेन कल के नए ब्लॉग में नई चीजों के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।